हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैक बेंचर्स। मैं हूं रितेश और हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था सिलोजिज्म। ठीक है, देखिए इसके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे, किस तरह से हम यूलर्स डायग्राम यानी कि वेन डायग्राम बनाते हैं, जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, किस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं इसके अंदर, वो सब हमने पिछली क्लास में देख लिया था। आज हम करेंगे इसके टॉपिक्स टाइप्स। देखिए, सिलोजिज्म में सिर्फ तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा चौथे तरह का क्वेश्चन नहीं बनता है। और एक और चीज मैं आपको सिलोजिज्म के बारे में बता दूं, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसा क्वेश्चन कहता जाए बाकी आप वैसा करता जाइए। जिसने इसमें ज्यादा दिमाग लगाया आप उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे, तो इसलिए ये रीजनिंग का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक भी माना जाता है। तो बस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल आपको वैसे ही करते जाना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना है अपनी तरफ से। तो देखिए, अगर मैं टाइप वन की बात करूं तो होते हैं डेफिनेट केसेस, डेफिनेट स्टेटमेंट। अब देखिए, डेफिनेट स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ होगा, कहीं पर भी आपको इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ होगा। जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है बस आपको वही रिप्रेजेंट करना है डायग्राम से और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है और सबसे इजीएस्ट टाइप है सिलोजिज्म का। देखिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक दिया हुआ होता है स्टेटमेंट और दूसरे दिए हुए होते हैं कंक्लूजन। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो आपके पास स्टेटमेंट है, सम बॉयज आर थीव्स, सम बॉयज आर थीव्स एंड ऑल थीव्स आर डेकोइट्स। कुछ लड़के चोर हैं और सभी चोर डाकू है, डकैत से। ठीक है, अब आपके पास कंक्लूजन दिया हुआ है, आपके पास जो पहला कंक्लूजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सम बॉयज आर डकैत, सेकेंड कंक्लूजन जो आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑल डेकोइट्स आर बॉयज, बस ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये दो आपके पास कंक्लूजन दिए हुए हैं। इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि देखिए, इसके ऑप्शंस होते हैं इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इफ ओनली टू फॉलोज, इफ बोथ फॉलोज, इधर वन और इधर टू, नीदर वन और नीदर टू। यानी यहां तो कंक्लूजन वन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या कंक्लूजन सेकंड स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या दोनों ही कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या दोनों में से कोई एक कर रहा है या फिर दोनों ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो हम जो वेन डायग्राम यानी कि यूलर्स डायग्राम, इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो बनाएंगे सिर्फ स्टेटमेंट का, कंक्लूजन का कभी नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, सम बॉयज आर थीव्स, ये हमारे पास हो गए बॉयज और ये हमारे पास टी यानी थीव्स। उसके बाद इसने कहा ऑल थीव्स आर डेकोइट्स, सभी जो थीव्स हैं वो डेकोइट्स हैं, ये सभी थीव्स, ये हो गए डेकोइट्स। ठीक है, देखिए इस डायग्राम से ये स्टेटमेंट पूरा वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, सम बॉयज आर थीव्स। ठीक है, ये वो सम बॉयज हो गए जो कि थीव्स हैं। ठीक है, ऑल थीव्स आर डेकोइट्स, ये डेकोइट्स का फिगर और उसके अंदर सारे के सारे थीव्स आ गए, तो ऑल थीव्स आर डेकोइट्स,
सही हो गया। अब देखिए, अब अपन टेस्ट करेंगे कंक्लूजन। अब देखिए, हमें ये पता है कि इसके अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ना तो कंक्लूजन में हमें कुछ इनडायरेक्टली दिया हुआ है, ना ही स्टेटमेंट में कुछ भी इनडायरेक्टली दिया हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन चेक करेंगे। सम बॉयज आर डेकोइड्स, क्या कुछ बॉयज ऐसे हैं जो डेकोइड्स हैं? तो देखिए, ये जो पार्ट है थीव्स का, उनमें डेकोइड्स भी तो इंक्लूड है, क्योंकि सारे के सारे थीव्स क्या हैं? डेकोइड्स हैं। तो जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है, यानी कि हाँ, कुछ डेकोइड्स बॉयज हैं, यानी कि पहला कंक्लूजन तो हो गया सही। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ऑल डेकोइड्स आर बॉयज, सभी डेकोइड्स बॉयज हैं, क्या ऐसा है? नहीं, हमें साफ दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है ये डेकोइड्स नहीं है, ये बॉयज जो है डेकोइड्स नहीं है। तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ओनली एंड ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। ये होता है डेफिनेट स्टेटमेंट का एक तरह का एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इस तरह से, इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल इसका और करते हैं। देखिए, आपके पास स्टेटमेंट है आपके पास, सम पेपर्स आर प्लास्टिक, सम पेपर्स आर प्लास्टिक और ऑल पेपर्स आर क्लॉथ। All papers are clothes. ये आपके पास दो स्टेटमेंट दिए हुए, सम पेपर्स आर प्लास्टिक एंड ऑल पेपर्स आर क्लोथ्स। अब आपके पास जो कंक्लूजन दिए हुए हैं, देखिए, पहला कंक्लूजन आपके पास दिया हुआ है सम प्लास्टिक्स आर क्लोथ्स, ये हो गया पहला कंक्लूजन, सम प्लास्टिक्स आर क्लोथ्स। सेकेंड कंक्लूजन है नो प्लास्टिक आर क्लोथ्स, नो प्लास्टिक आर क्लोथ्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, वही करेंगे, इनका वेन डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वो सम पेपर्स जो कि क्लोथ्स हैं, ये पेपर प्लास्टिक है, ये पेपर्स और ये हो गया प्लास्टिक। उसके बाद ऑल पेपर्स आर क्लोथ्स, ये ऑल पेपर्स, ये हो गए क्लोथ्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया वैलिडेट। देखिए, सम प्लास्टिक्स आर पेपर्स, सम प्लास्टिक्स आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर क्लोथ्स, सभी पेपर जो हैं वो क्या हैं? क्लोथ्स है, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए, हम डायरेक्ट कंक्लूजन चेक कर लेंगे। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, सबसे पहला सम प्लास्टिक्स आर क्लोथ्स। अब देखिए, ये वाला जो प्लास्टिक का हिस्सा है वो क्लोथ्स हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है इसमें, सम प्लास्टिक्स आर क्लोथ्स, बिल्कुल सही है पहला कंक्लूजन। दूसरा क्या कह रहे हैं, नो प्लास्टिक आर क्लोथ्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक भी प्लास्टिक क्लोथ ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे आपको इसमें पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कहा ही नहीं गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो नो प्लास्टिक आर क्लोथ्स जो है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा फॉलो करेगा स्टेटमेंट को? ओनली पहला कंक्लूजन जो है वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सम ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। चलिए, इस तरह से आते हैं डेफिनेट स्टेटमेंट के क्वेश्चन, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, आपका जो सेकेंड टाइप है सिलोजिज्म का, सेकेंड टाइप क्या आपके पास, वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ कंक्लूजन। देखिए,
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ कंक्लूजन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमारे पास अल्टरनेट आंसर होता है कि या तो कंक्लूजन वन फॉलो करता है इस तरह के क्वेश्चंस में या फिर कंक्लूजन टू फॉलो करता है, तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह से हमें क्वेश्चन के साथ डील करना है वो हम देखते हैं। देखिए आप मैं इसको डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि इसमें आपको कुछ थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक से समझाता हूँ। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको सम कैमराज आर रेडियोज और सम स्टेचूज आर कैमराज। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपके पास, सम कैमराज आर रेडियोज एंड सम स्टेचूज आर कैमराज। आपके जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास, पहला कंक्लूजन है सम रेडियोज आर स्टेचूज और जो सेकंड कंक्लूजन आपके पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है नो रेडियो इज स्टैचू। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वेन डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं, वही स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये रहे हमारे पास कैमरा, ये रेडियोज, ये हो गए कैमराज, ये हो गए रेडियोज, ये हो गया इनका कॉमन वाला पार्ट जो कि इसने सम के लिए पूछा है। ठीक है, सेकंड सम स्टैचूज आर कैमराज, सम स्टैचूज आर कैमराज। तो देखिए ये हो गए कैमरे, ये हो गए स्टैचू, सम स्टैचूज आर कैमराज, ये सम स्टैचूज आर कैमराज एंड ये सम कैमराज आर रेडियोज। अब देखिए कंक्लूजन चेक कीजिए। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट भी बताए थे पहली क्लास के अंदर अगर आपको याद हो तो अगर मैं कहूं कि स्टैचू और रेडियो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है। और अगर मैं कैमरा और रेडियो की बात करूं तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और इन दोनों के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन पहला क्या कह रहा है, सम रेडियोज आर स्टैचूज, सम रेडियोज आर स्टैचूज। क्या ये पॉसिबल, क्या इस तरह से हो सकता है? हालांकि क्यों हो सकता है, ये एक तरह का इनडायरेक्ट रिलेशन इनके अंदर दिया हुआ है। अब देखिए इनडायरेक्ट रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है, ये पॉसिबल कैसे? देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट इनको चेक कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, तो हम इधर वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेकंड कंक्लूजन हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं। सेकंड आपको पूछा है नो रेडियोज आर स्टैचूज, कोई भी रेडियो स्टैचू नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आपको ये फिगर देख के पता चल रहा है कि कोई भी रेडियो स्टैचू नहीं है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज क्यों हैं? क्योंकि ये इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये हो गया आपके पास स्टैचू, ये कैमरा और ये रेडियो। अब देखिए क्या स्टेटमेंट सारे इसमें वैलिडेट हो रहे हैं? देखिए सम कैमराज आर रेडियोज, ये सम कैमराज जो कि रेडियो है, सम स्टैचूज आर कैमरा, ये सम स्टैचूज जो कि क्या है, कैमरा है, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को, इस डायग्राम को देखता हूं तो मेरे पास ये वाला सही आ रहा है, सम रेडियोज आर स्टैचूज, सम रेडियोज आर स्टैचूज, ये वाला पार्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो। ठीक है, और नो रेडियो इज स्टैचू वो हमें इस डायग्राम से पता चल रहा है। ठीक है, तो जिस जब हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ हो तो हमारे पास इधर वाले आंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। देखिए
ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए एक तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सम रेडियोज आर स्टैचू, कुछ रेडियो जो है वो स्टैचू हो सकते हैं और नो रेडियो इज स्टैचू, वो हमें इस डायग्राम से पता चल ही रहा है। यानी कंक्लूजन वन को तो वैलिडेट कर देगा ये वाला रिप्रेजेंटेशन और कंक्लूजन टू को रिप्रेजेंट कर देगा ये वाला रिप्रेजेंटेशन। अब फर्क इस चीज से पड़ता है कि कौन सा वेन डायग्राम या फिर किस तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज में लिया हुआ है, तो वो हम बता नहीं सकते, तो इसलिए हम इसका आंसर कर देंगे इधर वन फॉलोज और टू फॉलो, या तो इस कंक्लूजन वन फॉलो करेगा या फिर कंक्लूजन टू फॉलो करेगा, क्योंकि हमें यहां पर पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है, तो हमें किसी भी कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन यूज में लेना है। अब एक रिप्रेजेंटेशन अगर मैं ये लूं तो फिर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, और अगर मैं ये लूं तो फिर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि या तो ये फॉलो करेगा या फिर ये फॉलो करेगा। ठीक है, ये हो जाती है हमारी चीज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए अपने पास एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है सम स्वीट्स आर सॉल्ट्स, सेकेंड आपको दिया हुआ है नो सॉल्ट इज स्पाइस। ठीक है, ये हो गया आपके पास स्टेटमेंट। आपके पास वो कंक्लूजन दिया हुआ है, पहला कंक्लूजन है सम स्वीट्स आर स्पाइस, और जो सेकंड कंक्लूजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है नो स्पाइस इज सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले हम भाई स्टेटमेंट का बना लेते हैं डायग्राम, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गए आपके पास, ये हो गई हमारे पास स्वीट्स, ये हो गए हमारे पास सॉल्ट्स। नो सॉल्ट इज स्पाइस, कोई भी सॉल्ट जो है वो स्पाइस नहीं है। क्या मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको? देखिए स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है सम स्वीट्स आर सॉल्ट्स वो हो गया, नो सॉल्ट इज स्पाइस वो ये भी हो गया। ये हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट जिस तरह से कह रहा है उस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब हम चेक करते हैं कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला सम स्वीट्स और स्पाइस, सम स्वीट्स आर स्पाइस, क्या सम स्वीट्स जो है वो स्पाइस हो सकते हैं? अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन को देखूं तब तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक बार हम इसको गलत मान लिया हमने, ध्यान से समझिएगा, नो स्पाइस इज सॉल्ट, कोई भी स्पाइस सॉल्ट नहीं है, तो ये तो सही हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको मैं एक और तरीके से बनाऊं, ये हो गया हमारे पास सॉल्ट, ये हो गया हमारे पास स्वीट, और ये हो गया हमारे पास स्पाइस। अब देखिए सम स्वीट्स आर स्पाइस हो रहा है। देखिए अब स्टेटमेंट चेक कीजिए, एक बार स्टेटमेंट को वैलिडेट कीजिए, सम स्वीट्स आर सॉल्ट्स, ये रहे सम स्वीट्स जो कि सॉल्ट्स हैं, ये रहे। सेकेंड नो साल्ट इज स्पाइस, कोई भी साल्ट स्पाइस नहीं है, ये भी सही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है हमारा और ये रिप्रेजेंटेशन भी हमारा सही है। तो रिप्रेजेंटेशन ए भी सही है, रिप्रेजेंटेशन बी भी सही है। अब अगर मैं दोनों में चेक करूं तो सम स्वीट्स आर स्पाइस, तो सम स्वीट्स आर स्पाइस, इस रिप्रेजेंटेशन से कंक्लूजन वन सही होता है और इस रिप्रेजेंटेशन से कंक्लूजन सेकंड सही होता है, क्योंकि इन दोनों में सब में इनडायरेक्ट रिलेशन दिए हुए हैं। तो जब इनडायरेक्ट रिलेशन हमें दिए हुए होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिए हुए होते हैं कंक्लूजन के, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों ही कंक्लूजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जब
कंक्लूजन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दिए हुए होते हैं, तब हमारा जो आंसर होता है वो होता है इधर वन फॉलोज और इधर टू फॉलोज, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, वो रीजन मैंने आपको दोनों ही तरह से रिप्रेजेंट करके बता दिया है। बाकी जब भी इनडायरेक्ट रिलेशन हो तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, बाकी उसके पीछे का रीजन होता है, हम इनको दो तरह से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा टाइप टू जो कि था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ कंक्लूजन। देखिए थर्ड टाइप जो है वो बनता है हमारा पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस यानी जब आपके पास कंक्लूजन में खुद दिया हुआ होगा कि आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, हम उसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। डेफिनेट केस और जो सेकंड हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स थे उसमें हम पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते हैं, पॉसिबिलिटी सिर्फ जब पूछा हुआ होगा तभी हम चेक करेंगे। और वो किस तरह से चेक करते हैं उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। देखिए स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है सम बर्ड्स आर क्रो, ठीक है। सेकंड पार्ट है सम क्रोज आर ट्रीज, और ऑल ट्रीज आर स्काइज। ठीक है, कंक्लूजन आपके पास दिए हुए हैं, मैं आपको इसके एक ही एग्जांपल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेके आपको एक साथ ही समझा देता हूं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी है चलिए ये चार पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन आपके पास दिए हैं। ऑल बर्ड्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्रोज बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्काई बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी एंड ऑल ट्री बीइंग क्रोज इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ये सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट है इसीलिए हमने एग्जांपल में लिए, ठीक है। इनको हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट का बना देंगे रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये हो गए हमारे पास बर्ड्स एंड ये हो गए हमारे पास क्रो। सम बर्ड्स आर क्रोज, सम क्रोज आर ट्रीज। ये सम क्रोज जो कि ट्रीज है, उसके बाद ऑल ट्रीज आर स्काई। यहां पर जगह कम है, बाकी ये सर्कल पूरा बनेगा। देखिए ऑल ट्रीज आर स्काई ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए हम कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल बर्ड्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बर्ड्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप ध्यान से सोचिए क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है जिसमें सभी बर्ड बन जाएंगे क्या ट्री। अब देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, ये सम बर्ड्स ये क्रोज हो गए, सम क्रोज आर ट्रीज, सम क्रोज आर ट्रीज। क्या मैं इस तरह से इसको बना सकता हूं, क्या ये इस तरह से पॉसिबल है, सम क्रोज आर ट्रीज। ये रहे हमारे पास सम क्रोज जो कि क्या है
ट्रीज है, फिर ऑल ट्रीज आर स्काईज, ये ऑल ट्रीज जो कि क्या हो गए स्काई, यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसका पॉसिबल है, यानी इस तरह की एक पॉसिबिलिटी मौजूद है, यानी ये वैलिड हो गई। ऑल बर्ड्स बीइंग अ ट्री इज पॉसिबिलिटी, ये सारे बर्ड्स जो कि क्या बन गए ट्री बन गए, और हमारा स्टेटमेंट भी इसमें पूरी तरह से करेक्ट हो गया। देखिए कैसे, सम बर्ड्स आर क्रोज, ये सम बर्ड्स आर क्रोज, सम क्रोज आर ट्रीज, ये सम क्रोज जो कि ट्रीज हैं, ऑल ट्रीज आर स्काई, ये ऑल ट्रीज जो कि क्या हो गए स्काई हो गए, यानी हमारा स्टेटमेंट भी सही हो गया और इस तरह की पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, ये तो था कंक्लूजन वन के लिए पॉसिबिलिटी। देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ऑल क्रोज बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल क्रोज बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले स्टेटमेंट, ये बर्ड ये क्रोज, फिर सम क्रोज आर ट्रीज। अब देखिए ये हो गए हमारे ट्रीज, ये सम क्रोज हैं जो कि क्या है ट्रीज है, उसके बाद ऑल ट्रीज आर स्काई। अब देखिए अब पूछा क्या है, क्या सभी क्रो स्काई हो सकते हैं, तो ये तो बन गया क्वेश्चन वाला रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए अगर मैं इन स्काई को ऐसे ना लेके अगर ऐसे ले लूं तो ये भी तो एक ही बात है, सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। देखिए सम बर्ड्स आर क्रोज, ये सम बर्ड्स आर क्रोज, सम क्रोज आर ट्रीज, ये वो सम क्रोज हैं जो कि क्या है ट्रीज हैं, ऑल ट्रीज आर स्काई, ये सभी ट्री किसके अंदर आ गए स्काई के अंदर, तो इसके अंदर हमने इसको भी क्रोज को भी कंसीडर कर लिया, तो ऑल क्रोज इज अ बीइंग स्काई इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी बन गई सभी क्रोज स्काई होने की। ठीक है, और इसमें हमारा स्टेटमेंट भी पूरी तरह से वैलिड हो गया। क्या इसमें स्टेटमेंट का कोई भी सेंटेंस इनवैलिड प्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी सेंटेंस में कह रहा है हमारे पास स्टेटमेंट में वो सब हमने इसमें प्रूव किया है। तो ये हो गया सेकंड पॉसिबिलिटी जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं, आप भी साथ में अगर बना के देखेंगे एक बार तो आपसे भी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर देखिए मैं थर्ड की बात करता हूं, यानी के ऑल स्काई बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए ऑल स्काई बीइंग ट्री, देखिए मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूं, जगह कम बचती है इसलिए मैं ऊपर से मैं दो कर लिए हैं। तो मैं वापस लिख देता हूं, ऑल is a possibility, ये है हमारे थर्ड एंड फोर्थ कंक्लूजन। देखिए अब ऑल स्काई बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, ये है हमारा स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये हमारा स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन जो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से हमने बनाया। पॉसिबिलिटीज जब हम चेक करते हैं तो हम हर तरह की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। देखिए ये स्काई हो गए और ये बर्ड्स हो गए और ये हमारे हो गए क्रोज। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था, हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था सम क्रोज आर ट्रीज, सम क्रोज आर ट्रीज। तो अगर मैं यहां पर ट्रीज बनाऊं, ध्यान से देखिएगा इसको, यहां पर अगर मैं क्रो के अंदर ट्री बनाऊं तो क्या ये वाला हिस्सा ये वो क्रो नहीं हो गए जो कि ट्रीज हैं? तो सम क्रोज कुछ क्रो ट्री हो गए, यानी कि ये कुछ क्रोज वो हैं जो कि ट्री हैं। ये वाला जो रेड शेडेड हिस्सा है वो क्या है, सम क्रोज जो कि क्या है ट्रीज हैं। और हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या था, ऑल ट्रीज आर स्काईज। अब इसको आप किसी भी तरह से बना दीजिए, ये हो गया स्काई।
ठीक है, तो हमारे सारी की सारी पॉसिबिलिटी, सारा स्टेटमेंट भी वैलिड हो गया और ऑल स्काई बीइंग ट्री भी वैलिड हो गया। अब इस आप स्काई को इसके अंदर से निकाले या पूरा ले या इसके अंदर ओवरऑल कंसीडर करें वो आपकी इच्छा है, क्योंकि हर तरह की पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी है। तो पॉसिबिलिटीज कई तरह से चेक की जा सकती है, पॉसिबिलिटीज कई तरह की हो सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब यही होता है एक संभावना, तो ऐसा होने की भी संभावना। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो किसी भी तरह से इनवैलिड ना हो, स्टेटमेंट वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर। लास्ट हम देखते हैं ऑल ट्रीज आर काउ। देखिए अब इसमें ये हो गए बर्ड और ये हो जाएंगे हमारे पास क्रोज। अब हमें चेक क्या करना है, ऑल ट्रीज आर क्रोज, तो ये मैंने यहां पर ट्रीज बना दी बिल्कुल पिछले को पिछली पॉसिबिलिटी की तरह। उसमें क्या था, कुछ क्रोज ट्रीज थे और इसमें सभी ट्रीज क्रो हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक ही बात हो गई। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं और उसके बाद तो हम सारे के सारे ट्रीज जो है वो इसका ही है, वो किसी भी तरह से बना सकते हैं। इस तरह से बना लीजिए, ठीक है, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी प्रूव हो गई। तो इस तरह से हमें पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, इनकी और भी कई पॉसिबिलिटीज होती है जो कि हमें किसके अकॉर्डिंग चेक करके देखनी पड़ेगी, हमारे कंक्लूजन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें पता करनी है कि कौन सी पॉसिबिलिटी हमें प्रूव करनी है, क्या उस तरह से बनाने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। तो हमने आज सिलोजिज्म के सारे टाइप देखे। देखिए इसमें तीन ही तरह के केस बनेंगे। पहला केस डेफिनेट स्टेटमेंट होगा आपके पास, डायरेक्ट दिया हुआ होगा। दूसरा केस आपको कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन दिया हुआ होगा। तीसरा केस वो होगा जिसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। देखिए पॉसिबिलिटी आपको तभी चेक करनी है जब आपको कंक्लूजन में दिया हुआ हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है ना, तभी आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इन दोनों ही केसेस में आपको पॉसिबिलिटी चेक नहीं करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलोजिज्म के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट हो तो हमारे नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर टेलीग्राम पर आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।